हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर श्वेता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल स्वच्छल स्टूडियो पे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको तंबाकू, स्मोकिंग, गुटखा, मावा खाने की आदत है, आपको नहीं, आपके फैमिली में या किसी रिश्तेदार को ये हैबिट है और आप उससे परेशान हैं, क्योंकि जब भी हंसते हैं तो दांतों पर एक ब्लैकिश, ब्राउनिश और रेडिश स्टेन्स डेवलप हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब दांत बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है और काला स्टेन उस पर जमा हो गया है, दाग धब्बे दिखते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से घरेलू उपाय होते हैं जिससे कि आप अपने दांतों पर ये जो लगे हुए टोबैको के स्टेन्स होते हैं इसे हटा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगी, पर डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि घरेलू उपाय तभी ज्यादा काम आते हैं जब वो शुरुआती स्टेज पे हो। अगर आप बहुत टाइम से गुटखा खाते हैं तो आपको भी पता है कि एक तरफ रख कर आप उसको छोड़ देते हैं और उस जगह पर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डीप स्टेन्स, दाग कुछ इस तरह से लग जाते हैं, तो वो भी तभी काम करेंगे जब आप एक बार डेंटिस्ट के पास दांतों की सफाई करवा लें। अब मैं आपको क्लियरली अपने क्लिनिक पे बताऊंगी कि जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम किस मशीन के द्वारा उनकी सफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है वो मशीन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो मशीन जिसको अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, और इस पर हम स्केलर टिप्स अटैच करते हैं, और ये मशीन होती है जो वाइब्रेशन के साथ चलती है, इसमें से पानी निकलता है और दांतों की सफाई की जाती है। आप सोचेंगे इसके थ्रू क्यों? देखिए, सिंपल ब्रश से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे ये दाग, तो अगर आप डेंटिस्ट के पास आएंगे तो इस मशीन के द्वारा सफाई की जाती है। ये दांतों की सतह पर घूमती है और जो आपके दांतों पर इतने गहरे दाग लगे हैं उसे निकालने में मदद करती है। देखिए, अगर आप जस्ट शुरू किया है आपने खाना और हल्के हल्के पैचेस और दाग स्टेन्स डेवलप हो गए हैं तो ये एक सिटिंग में निकल जाती है। अब इसका खर्चा भी मैं बता देती हूँ, अगर आप जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है सिटी के हिसाब से, डेंटिस्ट के हिसाब से, लगभग पर सिटिंग इसका खर्चा 1000 रुपीज आता है। अगर डीप हैं स्टेन्स, बहुत लंबे समय से आपको आदत है, तो 2 से 3 सिटिंग जाती है, तो एक सिटिंग का 1000, तो 3 सिटिंग का 3000, लगभग यही कॉस्ट होता है। पर जरूर आपको अगर ये दिक्कत है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपके दांतों की सफाई कर देंगे। मैं आपके साथ वीडियो ये शेयर कर देती हूँ जो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ की है, उनके दांतों को साफ किया है। जिनको बहुत ज्यादा हैबिट थी, उनकी इनेमल लेयर से हट के डेंटिन लेयर पे जब चले जाते हैं स्टेन्स, तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है। काफी हद तक निकल जाते हैं पर एकदम सफेद नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल क्लियर क्लियर सच्चाई बताना जरूरी है मेरे दर्शकों को, क्योंकि आप ये मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें दी गई टिप्स को फॉलो करते हैं, तो किसी प्रकार का झूठ मैं नहीं बोलूंगी। एकदम मोती जैसे दांत नहीं होंगे अगर आपको बहुत लंबे समय से हैबिट है, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। थोड़ा सा पीलापन फिर भी रह जाएगा क्योंकि वो दांत की दूसरी लेयर डेंटिन पर जा चुके हैं, पर वो दांतों की साफ सफाई आपकी अच्छी रहेगी और दांतों की कंडीशन खराब नहीं होगी। और अगर आप ये तंबाकू गुटखा की आदत छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली हर 6 महीने में जाकर के डेंटिस्ट से सफाई कराएं दांतों की। और सबसे बेस्ट, जब भी आप इन तरह का सेवन करें तो पानी का कुल्ला कर लें, च्युइंगम चबाते रहें, उससे लार बनती है, दांतों को साफ करता है। फल सब्जियां खूब खाएं, और कुछ घरेलू टिप्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं, एक दो घरेलू टिप्स मैं अभी बता देती हूँ। बेकिंग सोडा ले लें आप 1/2 चम्मच, उसमें कुछ बूंद नींबू के डालें और टूथपेस्ट डाल दें और वो पेस्ट से फिर आप ब्रश करें। आप हफ्ते में ये एक बार जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन परोक्साइड से आप कर सकते हैं, उसका एक ढक्कन हाइड्रोजन परोक्साइड आप ले लें, बॉटल पे जो रहता है उसको एक ग्लास पानी में डाल के एक माउथ वॉश सा बना लें और कुल्ला करें, तो सबसे अच्छा होगा कि आप इनका सेवन कम कर दें, बंद कर दें, अपने आप स्वस्थ और सुंदर स्माइल होगी। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है, आप इनको इस तरह के नशे में खराब ना करें, हंसते रहिए, खुश रहिए। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।